हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? एकेडमी प्लस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, वेलकम यू ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किया था, बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, एपी की लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, TN = A + N - 1 × D। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका प्रूफ किया था, इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है गाइज, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। टॉपिक का नाम है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है गाइज, आपको क्या करना है, सम करना किसका, फर्स्ट टर्म का ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, और लास्ट वाली जो टर्म आपके पास क्या आएगी, ए प्लस एन माइनस 1 × D। ठीक है गाइज, यस, अगर मैं एपी के सीक्वेंस की मैं बात करूं तो आप उसको 2 + 4 + 6 को ऐड करें या 6 + 4 + 2 को ऐड करें, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने सीरीज को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 × D आ जाएगा। ठीक है गाइज, करते करते लास्ट में जो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। मैंने दोनों को ऐड किया, इक्वेशन 1 इसको बोल दीजिए आप, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया तो एस प्लस एस कितना हो जाएगा, 2S हो जाएगा, और इसकी मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2A + N - 1 × D हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वाले की बात करेंगे, नेक्स्ट वाला भी कितना हो जाएगा, 2A + N - 1 × D हो जाएगा, और सबसे लास्ट वाले की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा, 2A + N - 1 × D हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि सेम नंबर कितनी बार ऐड हुआ है, n टाइम्स ऐड हुआ है। अगर मैं 5 को 10 टाइम्स ऐड करूं तो 50 हो जाता है, ऐसे सेम नंबर को मैं जितनी बार ऐड करूंगा तो कितना गया, 2A + N - 1 × D, कितनी बार ऐड हुआ, n टाइम्स ऐड हुआ, तो किसके इक्वल आ जाएगा, n × 2S के इक्वल आ जाएगा। बट आपको तो S निकालना था ना गाइज, तो आप क्या करेंगे, n/2 2A + N - 1 × D लिख देंगे इसको। आप और क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या, n/2 A + A + N - 1 × D। इसके बारे में बात करती है तो लास्ट टर्म होती है, तो SN का एक फॉर्मूला और मेरे पास आ गया, A + लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर है गाइस सबको, नोट कर लीजिए आप इसको, आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक ये वाला फॉर्मूला है और एक ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। कुछ पॉइंट है जिनको आप नोट कर लीजिए और आपको याद भी रहने चाहिए, प्रूफ बहुत सिंपल है, उन सबका प्रूफ सिंपल समेशन ऑफ एन टर्म्स के फॉर्मूले से मैंने ड्राइव किया है। फर्स्ट नोट की मैं बात करूं, अगर आपसे कोई पूछे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, आपसे पूछे सम ऑफ एन नेचुरल फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी आपसे किसकी बात कर रहे हैं, 1 + 2 + 3 up to n तक के नंबर के सम की बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला गाइज क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म n/2, फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म n, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया, n × n+1/2। यानी कोई आपसे पूछे कि 1, 2 + 50 तक की टर्म का सम निकालिए, तो फॉर्मूला आप ड्राइव कर चुके हैं, तो कितना जाएगा, 50 × 51/2, इससे कैंसिल आउट, तो 25 और 51 की जो मल्टीप्लाई आएगी, दैट विल बी योर आंसर। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम करने का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। सेकेंड की मैं बात करूँ, सेकेंड की सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर, आपसे पूछे कोई सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, यानी किसकी बात कर रहा है, 1, 3, 5
अप टू 2n-1 तक नंबर टर्म की बात कर रहा है, उन सब का सम गाइज कितना होगा, एन स्क्वेयर होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर मैंने 2 नंबर लिए तो उनका सम कितना रहा 4, तो 2 का स्क्वेयर कितना हो गया 4। 3 नंबर लिए तो सम कितना रहा 9 आ रहा है, तो कितना आंसर आएगा 3 का स्क्वेयर 9 आ रहा है। और आप देख भी रहे सम कितना रहा आपका 9 आ रहा है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट की मैं बात करूं, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर का सम की मैं बात करूं तो सम कितना आएगा गाइस, एन इंटू एन प्लस वन। क्लियर है सबका, सबको सम कितना जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन। इसका प्रूफ भी ऊपर वाले जो समेशन ऑफ फॉर्मूला मैंने आपको बताया वहीं से ड्राइव किया गया। क्लियर है सबको? बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया सम ऑफ एन टर्म्स का, उसी फॉर्मूले के बेस पे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है सबको? बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी हम लोगों को ए गिवन है। उसके बाद बात करें तो उसके बाद लास्ट टर्म गिवन है। तो लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना गिवन है अपने को, 45 गिवन है। एंड सम ऑफ एन टर्म्स एस एन हम लोगों को गिवन है 400। क्लियर है गाइस सबको? अब हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू फर्स्ट टर्म ए प्लस एल इक्वल टू 400 गिवन है। तो एन नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को निकालनी है, ए हमारे पास 5 है, एल लास्ट टर्म हमारे पास 45 है, इक्वल टू 400 हो गया गाइज। तो यहाँ से मैंने एन क्यू निकाली तो 25 हो गई, ये हो गया 50 डिवाइड किया 25, ठीक है जी, कितना हो गया 25 को यहाँ पे डिवाइड किया तो एन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 16 आ गई। एन मेरे पास आ चुका है, अब मैं पुट करता हूँ एन मेरे पास है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 45 मुझे गिवन है। फर्स्ट टर्म मेरे पास है 5, नंबर ऑफ टर्म 16 माइनस वन 5, 15 डी इज इक्वल टू 45, तो 15 डी इज इक्वल टू कितना हो गया 40, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3, और यही हम लोगों को निकालना था। क्लियर है गाइस सबको? आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डबल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन के आगे। क्वेश्चन में गिवन है कि दो डिफरेंट एपी है जिनके सम का रेशियो 7n+1 रेशियो 4n+27 है। तो दो एपी मैं लिखता हूँ, पहली एपी हमने लिखी है n बाई टू ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फर्स्ट वन टर्म a1 लिख दिया मैंने, इसका d1 लिख दिया। सेकेंड टर्म लिखी मैंने n बाई टू ट्वाइस ऑफ a2 n माइनस वन इंटू d2 मैंने कर दिया। दोनों का जो रेशियो है मुझे गिवन है कितना, 7n+1 डिवाइड बाय 4n+27 मुझे गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब क्या हुआ, 11th टर्म का मतलब हुआ a1 प्लस 10 d1 डिवाइड बाय a2 प्लस 10 d2 मुझे निकालना है, ये मुझे फाइंड करना है। तो गाइज मैं इसको n बाय 2 से n बाय 2 कैंसिल आउट कर सकता हूं। अब मैंने इस सीक्वेंस को देखा, मेरे पास और भी कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, गिवन कंडीशन का ही यूज करके मुझे बाकी सब निकालना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया तो अपने पास ये बनकर आ गया a1 प्लस एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 d2 इज इक्वल टू 7n+1 डिवाइडेड बाई 4n+27। आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर n-1/2 बाकी सब कुछ मैच हो रहा है, यहाँ पर मुझे n-1/2 को रिप्लेस करना होगा किसके साथ, 10 के साथ, क्योंकि बाकी सब कुछ मैच हो जाएगा तो n की वैल्यू मुझे पुट करनी होगी 21। तो कंप्लीट क्वेश्चन में n को 21 से रिप्लेस कर दीजिए तो मुझे क्या मिलेगा वो आप देखिए। फर्स्ट वाली तो क्या बन जाएगी, a1 प्लस 10 d1 बन जाएगी। दूसरी वाली क्या बन जाएगी, a1 प्लस 10 d2 बन जाएगी, मैंने n को पुट किया 21। अब देखिए ये कितना बन जाएगा, 21 पुट किया तो 21 की 7 से मल्टीप्लाई 147 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा।
और ये कितना बन जाएगा, 84 बन जाएगा, 1111 बन जाएगा। और यही मुझे निकालना था, यही हमारा आ चुका है। क्लियर है सबको? तो मेन काम क्या था यहाँ पर, सबसे पहले मुझे यहाँ पर 2 से डिवाइड करना था सेम बनाने के लिए। फिर मैंने क्या किया, इसको देखा कि सब कुछ मैच हो रहा, बस ये वाली जो टर्म है इस वाली को रिप्लेस करना चाहिए किसके साथ, एन को रिप्लेस करना चाहिए 21 के साथ। एन को जैसे ही मैंने 21 के साथ रिप्लेस किया तो मुझे रिक्वायर्ड टर्म मिल गई। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों को गिवन है टीपी पीएथ टर्म यह 1/Q के इक्वल है, क्यूएथ टर्म 1/P के इक्वल है, और अपने को PQ टर्म इसके इक्वल आ गया, ऐसा हम लोगों को शो करना है। ठीक है गाइस, तो TPF का मतलब होता है A+P-1 × D = 1/Q गिवन हम लोगों को। सेकंड TQF का मतलब क्या होता है, A+Q-1 × D, ये हम लोगों को इसके इक्वल है 1/P के इक्वल है। दोनों को हम लोगों ने माइनस किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला। मैंने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दी, माइनस किया तो ये गाइज ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा P-Q। और सेकंड वाले की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा, सेकंड में से हम लोगों ने साइन चेंज हो जाएंगे, एक सेकंड, सेकंड में से हम लोग फर्स्ट माइनस कर रहे हैं, P-Q हो जाएगा। और दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाला अपने पास हो जाएगा 1/Q-1/P, तो P-Q × D हो गया। LCM लिया तो ये आ गया P-Q/PQ। क्लियर है गाइस सबको? PQ से PQ कट गया तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/PQ। अब D की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, D की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो मेरे पास क्या आ गया, A+P-1, डी की वैल्यू पुट किया मैंने 1/PQ = 1/Q चल रहा है। तो इसको मैंने सोल्व किया तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, अब मैं ए की वैल्यू निकालता हूँ। ए की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, इन सबको इधर लेके आ गया, तो ये 1/Q था, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/Q हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/PQ हो जाएगा, कट जाएगा। तो ए की वैल्यू भी मेरे पास 1/PQ आ गई है और डी की वैल्यू भी मेरे पास 1/PQ आ गई है। अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ PQ टर्म निकालना है। सम ऑफ PQ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ PQ टर्म की मैं फॉर्मूले की बात करूंगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PQ/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस PQ-1 × D होगा गाइज, क्योंकि जिसका भी सम निकालना है डिवाइड बाई 2 ट्वाइस ऑफ A एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये हमारे पास चल रहा है PQ/2 ट्वाइस ऑफ A की वैल्यू हमारे पास PQ आई है प्लस PQ-1 × और D की वैल्यू हमारे पास है 1/PQ। तो हम लोगों ने इसको सोल्व किया तो ये आ गया PQ/2 / 2 प्लस 2/PQ, ये 1/PQ से करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1-PQ हो जाएगा। क्लियर है गाइस सबको? अब इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, PQ/2 हो जाएगा, 2 - 1 तो 1/PQ हो जाएगा और प्लस का कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं इसका LCM भी ले लेता हूँ, PQ/2 LCM लिया हमने इसका तो ये आ गया 1 + PQ / PQ, PQ से PQ कैंसिल आउट हो गया तो हमारा फाइनली आंसर आ गया PQ+1/2 सम ऑफ PQ टर्म्स, और मुझे यही प्रूव करना था। तो मैंने किया क्या गाइज, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 2 रिलेशन मुझे गिवन थे, उन दोनों का मैंने यूज किया, और इन दोनों का यूज करने के बाद मैंने देखा कि मुझे A की रिक्वायरमेंट होगी, D की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने A और D निकाला, A और D निकालने के बाद मैंने गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया और हम लोगों को आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गाइस क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि PH टर्म क्यू है, सम ऑफ P टर्म क्या मतलब क्यू है, तो सम ऑफ P टर्म का मतलब हुआ P/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस P-1 × D हम लोगों को क्यू गिवन है। सम ऑफ क्यू टर्म्स का मतलब हुआ Q/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस Q-1 × D हम लोगों को P गिवन है। हम लोगों को सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म ये शो करना है, तो बेसिकली A और D की रिक्वायरमेंट होगी, उसी फंडे से चलता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने इसको निकाला ट्वाइस ऑफ A प्लस P-1 × D =
इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा 2q बाई पी, और इससे भी हम लोगों ने निकाला तो ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, और ये हमारे पास बन के आ जाएगा 2p बाई क्यू। मैंने दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो दोनों इक्वेशन को माइनस किया, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू माइनस पी माइनस ट्वाइस ऑफ पी अपॉन क्यू। तो गाइज मैंने यहाँ से d की वैल्यू निकाली, d की वैल्यू निकाल के मैंने एलसीएम लिया, सोल्व किया, तो मेरे पास ये बन के आ गया माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। कॉमन डिफरेंस मुझे मिल चुका है, मैं अब आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। सम ऑफ, मुझे p प्लस क्यू टर्म का सम निकालना है, तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म सम का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p प्लस क्यू बाई टू ट्वाइस ऑफ a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होगा गाइस, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म निकालने का फॉर्मूला। नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, पी प्लस क्यू बाई टू ट्वाइस ऑफ ए, इसको हम लोगों ने रखा पी माइनस वन इंटू डी प्लस क्यू डी, मैंने थोड़ा डिफरेंस कर दिया इसको। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूँगा किसका, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, कौन सा टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी किसके बराबर था, टू क्यू बाई पी। इस वाले रिजल्ट का यूज करने के लिए मैंने इसको ऐसा लिखा 2q पे माइनस पी, और हमारे पास बचा qd, तो q एज इट इज रखा, d की वैल्यू मेरे पास थी, मैं d की जो वैल्यू मेरे पास थी वो मैंने इसको पुट किया, तो d की वैल्यू क्या थी, ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू इंटू पी क्यू। अब क्या करता हूँ, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम लेकर मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, एलसीएम लेकर सोल्व किया, टू ऊपर से कैंसिल लिया, कॉमन आउट हो गया, और ये हमारे पास बचा पी पाई क्यू। यहाँ पर हम लोगों ने पी क्यू एलसीएम लिया, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वन बाई पी बाहर भी निकाल सकते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से टू तो हमारा बाहर आ चुका है, मैंने इसका एलसीएम लिया पी क्यू, पी क्यू एलसीएम लिया तो पी कैंसिल आउट क्यू आ गया, तो ये क्यू स्केयर हो गया माइनस, ये हमारे पास आ गया पी क्यू और माइनस ऑफ क्यू स्केयर आ गया। ठीक है गाइज, तो क्यू स्केयर से क्यू स्केयर कैंसिल आउट, इससे ये माइनस के साथ कैंसिल आउट, तो माइनस ऑफ पी प्लस क्यू आ गया, और यही मुझे सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म का जो सम था मुझे यही प्रूव करना था। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए आप इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो काफी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको प्रूव करना है कि रूट टू रूट थ्री रूट फाइव कैन नॉट बी एनी थ्री टर्म ऑफ एन एपी। जैसे मैंने, मेरे पास एक लिखा हुआ है 16, एक लिखा हुआ है 64 और लिखा हुआ 128। आपसे पूछ रहा है कि किसी एपी में हो सकते हैं क्या, ये जरूरी नहीं कि ये सेकेंड टर्म की बात कर रहा है, ये थर्ड टर्म की बात कर रहा है या फोर्थ टर्म की बात कर रहा है, ये बोल रहा है किसी भी एपी में एक साथ एक ही सिंगल एपी में तीनों टर्म आ सकती है क्या, ये तीनों टर्म एक सिंगल एपी में आ सकती है क्या, ऐसा उसने पूछा है। तो मैंने क्या अज्यूम किया, मैंने अज्यूम किया कि लेट्स अज्यूम कि पीएथ टर्म मेरे पास रूट टू है, क्यूएथ टर्म मेरे पास रूट थ्री है, और आरएथ टर्म मेरे पास रूट फाइव है, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया है। पीएथ टर्म का मतलब हुआ ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू रूट टू, मैंने अज्यूम किया ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, मैंने रूट थ्री अज्यूम किया यहां पर, और a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, मैंने रूट फाइव अज्यूम किया यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन में से माइनस करके इक्वेशन निकाल रहा हूँ, मैंने फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दिया है, तो a से a माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p माइनस क्यू इंटू डी आ जाएगा मेरे पास रूट टू माइनस रूट थ्री। दोनों इक्वेशन को भी माइनस माइनस किया तो q माइनस आर इंटू डी इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट फाइव हमारे पास आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन फोर्थ एंड इक्वेशन फाइव दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर इज इक्वल टू रूट टू माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई रूट थ्री माइनस रूट फाइव। मैंने स्टार्टिंग में अज्यूम किया है कि जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया है उस सीक्वेंस जो है, ये नंबर किस में लिखे हुए हैं, एपी में लिखे हुए हैं। अब पीएथ टर्म तो क्या नंबर, एक नंबर आने वाला है, क्योंकि ये किसी एपी की टर्म ऐसा ही होता है ना, पांचवी टर्म छठी टर्म, ऐसे तो नहीं सुना आपने फाइव एंड हाफ टर्म,
तो ये नंबर जो है आने वाला, नंबर माइनस नंबर एक नंबर देगा, नंबर माइनस नंबर एक नंबर देगा, इधर तो रैशनल नंबर मिलने वाला है और इधर इरेशनल इरेशनल इरेशनल, तो हमें क्या मिलने वाला है, इरेशनल मिलने वाला है। तो ये दोनों, इधर रैशनल नंबर आएगा और इधर कैसा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो दोनों नंबर कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, और नंबर अगर आपस में इक्वल नहीं हो सकते तो ये वाली टर्म कब, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं, ऐसा तो फिर हो ही नहीं सकता। तो कभी भी रूट टू रूट थ्री रूट फाइव किसी भी सिंगल एपी में एक साथ नहीं आ सकते, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है गाइज, आज की क्लास, आज का जो सेशन है हम लोग यही फिनिश करते हैं। कल की क्लास में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ एपी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब